तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही हाय हाय बीजेपी हाय हाय तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय 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 भारत की बेटी यूपी में उसके साथ बलात्कार हुआ। उसका जुल्म ये था कि वो अपनी माँ के साथ खेतों में काम कर रही थी और यूपी के चंद गुंडे उसको उठा के ले गए, उसके साथ बलात्कार किया और उसको जान से मार दिया। और दूसरी तरफ उस बेटी को अन्याय दिलवाने के लिए भारत के नेता, हमारे नेता, अगर राहुल जी आवाज उठाते हैं, अगर अपील करते हैं यूपी की सरकार से कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, उस बेटी के माँ बाप जिनको अपनी बेटी का शव भी देखने को नहीं मिला, अंतिम संस्कार करने को नहीं मिला, अगर आज उनके लिए, उनके न्याय के लिए राहुल जी आवाज उठा रहे हैं तो उनको भी अंदर किया जा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है। आज भारत की बेटी सुरक्षित नहीं समझकर सुरक्षित नहीं है। और हम अपील करते हैं भारत की बीजेपी की सरकार से, केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से और यूपी से निकम्मी योगी सरकार से कि वो अपराधियों का साथ देना बंद करे। और जो लोग आवाज उठा रहे हैं न्याय के लिए, उनको अंदर करने की बजाय आप अपराधियों को अंदर कीजिए। यही हमारा संदेश है। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे प्रभारी हरसिमरत जी के लिए कि वो भी अपनी बात रखें। आज यूथ कांग्रेस की तरफ से जो हक में हम अपने लीडर श्री राहुल गांधी जी के लिए खड़े हैं, जो कि यूपी में आज जो काफ़ी दिनों पहले जो कांड हुआ था, जो रेप कांड हुआ था, एक महिला के साथ हुआ है और आज भी सुनने को आ रहा है कि भी आज भी एक ऐसा एक वारदात हुई है। बहुत ही शर्म के साथ ये बताना पड़ रहा है कि आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हर जगह बीजेपी नारे लगा रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को बचा तो आप सकते नहीं हो, पढ़ाने की तो बहुत दूर की बात है। आज हम सब जा रहे हैं यूथ कांग्रेस की तरफ से अपने नेता श्री राहुल जी के साथ खड़े हैं और उस बेटी के साथ खड़े हैं जिसके साथ ये न्याय हुआ है, और हम सब कोशिश करेंगे कि भी उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। जय हिंद जय